हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी टमाटर की मीठी चटनी। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और यह बहुत ही टेस्टी होती है। ये इतनी टेस्टी होती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 250 ग्राम पके हुए टमाटर, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। के बाद हम लेंगे एक तेजपत्ता, दो खड़े लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा, आप चाहे तो पंचफोरन भी ले सकते हैं, दो से तीन चम्मच चीनी, थोड़े से गुड़, नमक एक छोटा चम्मच, और मैंने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, सूखे हुए नारियल और किशमिश, आप चाहे तो काजू भी डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने गैस पर एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है, इसमें मैं डालूँगी ऑयल और उसके बाद मैं डालूँगी जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, और उसके चटकने के बाद ही हम इसमें टमाटर को डाल देंगे। टमाटर को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह चलाएंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, आधा छोटा चम्मच, और इसे अच्छी तरह चलाएंगे और इसे हम ढक कर 10 मिनट पकाएंगे, क्योंकि टमाटर पानी छोड़ता है। ये देखिए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, टमाटर अब अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह चलाएंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे गुड़, चीनी, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छी तरह चलाते रहना है, नहीं तो ये कढ़ाई में सट जाएगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसे हम ढक कर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे गुड़ अच्छी तरह गल चुका है, टमाटर भी पूरी तरह गल गया है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छी तरह चलाते रहना है। इसमें अभी पानी है, अभी इस पानी को अभी हम हल्का सुखा लेंगे। देखिए हमें इसे अच्छी तरह चलाते रहना है। ये देखिए अभी हल्की गाढ़ी हो चुकी है, ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही सुंदर। अब हमारी चटनी अच्छी तरह पक चुकी है, हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी। इसे आप आलू के पराठा, सत्तू के पराठा, पकौड़े, समोसे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप भी ट्राई करें। अब मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।